नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कंगवा के निर्माताओं ने फिल्म का दूसरा पोस्टर जारी किया है। फिल्म का टीजर 23 जुलाई को आने वाली है, सूर्या के जन्मदिन के मौके पर। दोस्तों, कंगवा फिल्म के निर्माताओं ने टीजर राउंड करने की योजना बनाई, जो कि दूसरे पोस्टर सूर्या के घोड़े पर सवार हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहे हैं। दोस्तों, सूर्या अब पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म की ये सुर्खियाँ काफ़ी बटोर रही है। निर्देशक इस फिल्म को काफ़ी अच्छी तरीके से बना रहे हैं। ये दूसरा पोस्टर साझा किया है तो काफ़ी अच्छी है। इसी को देखते हुए इस फिल्म का टीजर को भी लॉन्च करने वाले हैं। अपने कबीले की ओर मुंह करके घोड़े पर सवार खड़ा है। पोस्टर की पार्ट में लिखा है कि द मैन द वाइल्ड स्टोरी। फिल्म में सूर्या एक आदिवासी योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, फिल्म का संगीत काफ़ी अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, कंगवा एक बड़े बजट की फिल्म है और इसे लगभग 10 भाषा में 3D में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि फिल्म इस साल के अंत तक रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और यह अब पोस्ट प्रोडक्शन में है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगली अपडेट की बात की जाए तो की चल रही है। दोस्तों, मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म भोरा शंकर के टीजर ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा दिया। के उम्र में चिरंजीवी का एक्शन फैंस को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्टरों का भी ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दोस्तों, भोला शंकर के टीजर रिलीज हुई कुछ ही घंटे हुए और इस टीजर को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दोस्तों, फिल्म की बात की जाए तो फिल्म काफ़ी अच्छी होने वाली है और फिल्म में चिरंजीवी के साथ तमन्ना भाटिया और कीर्ति सुरेश नजर आएंगी। दोस्तों, इस फिल्म में चिरंजीवी के साथ तमन्ना भाटिया और कीर्ति सुरेश नजर आएंगी। दोस्तों, ये फिल्म थाला अजीत की 2015 में आई वेदलम की रीमेक है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, ये तो रही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।